पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी, मेरे सबसे बहादुर योद्धा। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, मैं आपको रोजाना मिस करूंगी, आपकी रोजाना आने वाली फेस टाइम कॉल्स को मिस करूंगी। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, आई लव यू पापा, हमेशा आपकी मुश्क। इंस्टाग्राम पर ये शब्द ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा के हैं। पापा ऋषि कपूर हमेशा के लिए खामोश हो गए। मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान भूमि पर परिवार तो था, लेकिन प्यारी बिटिया रिद्धिमा सैकड़ों मील दूर दिल्ली में थी। कोरोना संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन और नियमों की वजह से रिद्धिमा आखिरी बार अपने पापा की सूरत भी नहीं देख पाई। जिस पापा की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिस पापा ने बिटिया को डोली में बिठाकर अपने घर से विदा किया, वो पापा दुनिया छोड़ गए, लेकिन बिटिया अपने प्यारे पापा की सूरत वीडियो कॉल के जरिए ही देख पाई। जानकारी के मुताबिक आलिया भट्ट वीडियो कॉल के जरिए रिद्धिमा से कनेक्ट थी और इसी तरह से उन्होंने अपने पापा को विदा किया। बुधवार रात जब पिता ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली तो बेटी रिद्धिमा बहुत परेशान हो गई। जब तक वो कुछ और सोच पाती, ऋषि कपूर के निधन की खबर आ गई। रिद्धिमा अपने पापा के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहती थी, लेकिन सड़क के रास्ते दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 15 घंटे तो लग ही जाते। यही वजह है कि रिद्धिमा मुंबई के चंदनवाड़ी नहीं पहुंच पाई। सूत्रों के मुताबिक रिद्धिमा आज मुंबई पहुंचेंगी। यकीनन पापा के चले जाने का गम बेटी के लिए पहाड़ टूटने जैसा है, लेकिन जिंदगी के आखिरी पल में वो चाह कर भी अपने पापा को छू तक नहीं पाई, देख तक नहीं पाई। रिद्धिमा को मलाल है, इंस्टाग्राम पर उनके मैसेज से इसकी झलक दिख जाती है। हम दोबारा मिलेंगे पापा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।